हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। और आपका वेलकम है हमारी यूट्यूब चैनल पैन इंडिया एजुकेटर। तो करते हैं आज पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। वो सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके आने वाली एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में संविधान को कब अपनाया गया। तो आपके सामने ऑप्शन है, एक बार पढ़ लें उसके बाद आंसर दें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया। जब हमारा संपूर्ण संविधान बनके तैयार हो गया था तब कौन सी डेट थी जिस डेट को हमारा संविधान लागू हुआ था। आपको इसमें आंसर देना है, सोचिए आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950 को संविधान बनके लागू हुआ था। ये तो क्वेश्चन आप सभी लोगों को पता होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन है, एक बार ऑप्शन पढ़ लें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। आपके सामने ऑप्शन है, एक और ऑप्शन पढ़ लें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8 अनुसूचियां। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब ओनली 8 अनुसूचियां थीं। देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे। जब संविधान को लागू किया गया था तब कितने भाग थे, आपको इसमें से आंसर देना होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 25 भाग थे। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं। अब प्रेजेंट टाइम में संविधान में कितने भाग हो गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 25 भाग। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा। जब हमारा संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया तो उसमें बनने में कितना समय लगा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिए। देखने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, तो देखते हैं इस क्विज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य कब किया गया था। हमारे जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे फर्स्ट, तो उन्होंने जो संविधान का निर्माण कार्य कब से कौन सी डेट को बताया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊँगा, इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा आप सभी लोगों को मेरे कमेंट सेक्शन में, और मैं इस क्वेश्चन का आंसर का वेट करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद।